तो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्मैकडाउन लाइव के बारे में, मतलब 13 फरवरी 2020 को आने वाले स्मैकडाउन लाइव के बारे में। और दोस्तों, इस स्मैकडाउन लाइव में हमें गोल्डबर्ग और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल देखने को मिलेगा। और WWE ने ये भी अनाउंस कर दिया कि इस स्मैकडाउन लाइव में जेफ हार्डी भी रिटर्न होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में स्मैकडाउन लाइव के बारे में कुछ बात करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और मैं हूँ आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। और दोस्तों, रसोमिया 36 के लिए भी 25 दिन बाकी है, मतलब कि 4 हफ्ते। और रसोमिया 36 के लिए जिन जिन सुपरस्टार का मैच अनाउंस हो गया उनमें अभी से ब्रॉल शुरू हो गया। और पिछले हफ्ते के मंडे नाइट शो में ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर पर हमला कर दिया। और इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में गोल्डबर्ग और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों, WWE की बम शो में गोल्डबर्ग ने यह भी कहा कि उनका स्पियर रोमन रेंस स्पियर से काफ़ी अच्छा है। और ये भी कहा कि रोमन रेंस जो स्पियर देता है वो काफ़ी फिल्मी टाइप है और मैं जो स्पियर देता है वो लोगों को नुकसान पहुँचाता है। और गोल्डबर्ग ने यह भी कहा कि वो WWE में सिर्फ एक रीज़न की वजह से आ गए, वो है रोमन रेंस, और उसे इससे पहले कभी मौका ना मिला। और दोस्तों, अभी गोल्डबर्ग के लिए यूनिवर्सल चैंपियन रिटेन करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि अभी उनका सामना रोमन रेंस एक अपोनेंट के रूप में आ चुका है। और गोल्डबर्ग ने यह भी कहा कि वो रोमन रेंस को हरा कर ये साबित करना चाहेंगे कि वो 50 साल की उम्र में भी अभी रोमन रेंस से बेस्ट है। और दोस्तों, इसीलिए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में इन दोनों का फिर से फेस ऑफ होगा। और इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में इन दोनों का ब्रॉल हमें देखने को मिलेगा। और बस देखना ये है कि इन दोनों के ब्रॉल में कौन बारी पड़ता है, द बिग डॉग रोमन रेंस या द आइकॉन गोल्डबर्ग। और दोस्तों, ये आप सबको बताना चाहूँगा कि रोमन रेंस का 2019 में रिटर्न होने के बाद ये उनका पहला यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच है। और ये आप सबको याद भी होगा कि रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन नहीं आ रहा था, बल्कि ल्यूकेमिया के इलाज के लिए WWE से जाना पड़ा। और दोस्तों, आपके हिसाब से रसोमिया 36 में इन दोनों के मैच में कौन जीतेगा और आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करेंगे, द आइकॉन गोल्डबर्ग या द बिग डॉग रोमन रेंस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और WWE ने यह अनाउंस कर दिया है कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में जेफ हार्डी रिटर्न होंगे। और दोस्तों, हमने जेफ हार्डी को पिछली बार 30 अप्रैल 2019 को स्मैकडाउन लाइव में देखा था। और तो आइए देखते हैं कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में जेफ हार्डी रसोमिया 36 के लिए किस अपोनेंट को चैलेंज करेंगे। और WWE ने यह भी अनाउंस कर दिया कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में पेज रिटर्न होंगे। और दोस्तों, इस स्मैकडाउन लाइव 13 फरवरी 2020 को होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।